जो रूह दी हजूरी आ जावे, जो रूह दी हजूरी आ जावे, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद होंदे ने। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर है। आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा दिन जीना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में आप बिजनेस को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में छुटकारे को देखना चाहते हैं, कलेश को खत्म होता देखना चाहते हैं, तो अपने अंदर से डर को आज बाहर भगाना है। हालेलुया। अगर विश्वासी डर को अपने दिमाग में रखता है तो याद रखना कि इजरायली सिर्फ एक डर के कारण ही, एक डर के कारण उन्होंने जो जंगल 40 दिन में पार होना था वो 40 साल में पार किया। वो हमेशा डरते रहते थे। अगर आज आप घबराए हुए हैं, अगर आज आप बीमारी को देखकर, उसको देखकर, रिपोर्ट में देखकर डरे हुए हैं, अगर आप समस्या में हैं, अगर आप चिंता में हैं, अगर आप कर्जे को देखकर घबराए हुए हैं या अपनी गरीबी को देखकर डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मेरे आका का कलाम, आज वचन आपके डर को बाहर निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर लोग जब एकांत में, अकेले में रहते हैं, अकेले में परमेश्वर उनसे ज्यादा बात करता है। जब इंसान अकेले में जाता है या तो उनसे शैतान बात करेगा या परमेश्वर बात करेगा। शैतान हमेशा चाहता है कि इंसान अकेला रहे, वो निराश रहे, वो टेंशन में रहे, चिंता में रहे और बीमारियों में रहे और डरा और घबराया रहे। लेकिन जितने बाइबल पढ़ते हैं आज से वो अकेले नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, जब आदम को बनाया उसने कहा आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं, उसने हवा को बनाया। अगर आज आप घबराए हुए हैं कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया है, मैं अकेला रह गया हूं, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है, मैं अकेली रह गई हूं, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, घबराया हुआ चर्च या घबराया हुआ पादरी या कोई मां घबराई हुई है कि मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, कोई गहरी बीमारी इसको हो चुकी है, तो मैं आज आपको डर को दूर करने के लिए आया हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके डर को बाहर फेंकेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज उस घबराहट को बाहर फेंकेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो डर और घबराहट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको बाहर भगाना है या अंदर रखना है। अंदर रखना है डर को कि बाहर फेंकना है? लेकिन शैतान जानता है कि आप सब डरपोक हैं। शैतान जानता है कि आप किस क्षेत्र में कमजोर हैं, आप कौन सा पाप नहीं छोड़ सकते, आप कौन सी बात पूरी नहीं कर सकते। शैतान जानता है, इसलिए वो रोज आपको डराता है, रोज डर पैदा करता है एक इंसान के अंदर कि वो डरे और अपने मुंह से कुछ बोले और वो साइड में हो जाए, एकांत में चला जाए, और ताकि मैं उसको सुसाइड करा दूं, निराश कर दूं, टेंशन में कर दूं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप घबराए हुए हैं, अगर आप डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आप जितना मुंह से बोलने लगेंगे, आज आपकी मुंह की जुबान का विश्वास, आज आपकी आवाज शैतान को आज हराएगी और डर को बाहर भगाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक इंसान को जब तक नहीं पता लगता कि तुझे कैंसर है, तुझे शुगर है, वो रोज दुकान पर रसगुल्ले खाएगा। शुगर वाला पेशेंट रोज रसगुल्ले खाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। जिस दिन उसको पता लग जाए उस दिन वो रसगुल्ले नहीं खाएगा, वो डर जाएगा, वो आधा मारा जाएगा। लेकिन जब उसको पता लग जाए कि तू बीमार है, उसी समय वो डाउन हो जाएगा क्योंकि डर का आत्मा उसके अंदर काम करेगा। लेकिन वचन क्या बोलता है, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, करा मैंने तुम्हें, करा जितने मेरे नाम पर भरोसा रखते हैं, जितने मेरे पास आते हैं, आए संडे मेरी आराधना करने आते हैं, कहता कि जाकर स्वर्गदूत उनसे कह दे, कहता कि जा यशाया को कह, करा याकूब को बता, करा कि अरे सुन, कहता कि अरे मैंने तुम्हें डर का, भय का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हारे अंदर सामर्थ का आत्मा दिया, सामर्थ का। हालेलुया। आज कोई कीड़ा मकोड़ा भी आकर तुम्हें डरा देता है, कोई छिपकली भी आकर तुम्हें डरा देती है, लोग डर जाते हैं। कि याकूब घबराया हुआ था अपने शत्रुओं को देखकर, लेकिन यहां क्या कह रहा था, लेकिन परमेश्वर को मानने वाला बंदा था। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैंने तेरे अंदर डर का, भय का आत्मा नहीं डाला। मुझे पता है कि डर लगता है, अगर किसी को बीमारी है रिपोर्ट में आ जाए डरता है, वो डरता है कि नहीं, डर लगता है उसको। अगर किसी के घर में चोर आ जाए, अरे डरता वो भी है, किसी के कनपट्टी में बंदूक रख दे, डरता वो भी है। लेकिन बाइबल क्या बोलती है,
बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग शहीद हुए। यहां पर बंदूक रखी, उन्होंने कहा मार, हम डरते नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ्य का आत्मा है, सामर्थ्य का। हालेलुया। करा क्या कहता है? करा यूं कहता है, यूं करा, अगर तुम्हारे सृजनहार तुम्हें बनाने वाला, तुम्हें बुलाने वाला, तुम्हारे से प्यार करने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला, एक बाप बोल रहा है, कहता है कि अरे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। एक छोटा बच्चा कभी नहीं डरता, जब आप उसको गोदी में लेके ऊपर उछालते हो, कितना उछालते हो, वो हंसता है। और बड़े बच्चे को भी हम चार बंदे पकड़ कर उछालेंगे, क्या करेगा, ओए मारेगा क्या, डरेगा कि नहीं। इसलिए यीशु मसीह जानता है, कहता है बालकों के समान मेरे पास आओ। किसके पास आओ? बालकों के समान। इसलिए याकूब को बोल रहा था, कह रहा तेरा अरे बनाने वाला कौन है? उसका नाम यहोवा जोरावर है, यहोवा जोरावर, जो तेरी दृष्टि में अगर छोटा लगता है तुझे, तेरा परमेश्वर कीड़ा मकोड़ा नहीं है। कहता जिसका नाम तुम लेते हो, याद रखना वो यहोवा जोरावर है, यहोवा जोरावर, वो ताकतवर है और वो तुम्हारा सृजनहार है। याकूब को डांट लगाता है, बोलता है डर मत, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कह रहा मत डर, कह रहा है याकूब मत डर, कह रहा है कि तुझे मैंने नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर। आपको बता रहा हूं कि जिस दिन आपने परमेश्वर का नाम लिया, मैं कह रहा हूं कि उसी दिन से परमेश्वर ने आपके पीछे काम करने वाली स्पिरिट को, बैड स्पिरिट को भगा दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। आपको बता रहा हूं कि जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, याद रखना आपको डरने की जरूरत नहीं है, उन बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, उस कर्जे से डरने की जरूरत नहीं है, उस गरीबी से डरने की जरूरत नहीं है। डरती दुष्ट आत्माएं उस दिन से, आज से वो डर रही हैं आपसे, क्योंकि वो जानती हैं कि आपका बाप यहोवा जोरावर सृजनहार, वो परमेश्वर यहां बैठा है, वो जिंदा है। आज के दिन छह दिन वो स्वर्ग में बैठता है, लेकिन सातवें दिन, ये आपको बता रहा हूं, स्वर्ग में नहीं बैठता, वो अपने सिंहासन पर बैठता है, आपके बीच में बैठा है, वो यीशु मसीह के नाम में। याकूब इतना घबराया हुआ था, लेकिन जब प्रोफेट यशाया के पास गया, यशाया प्रोफेट ने उसको कहा, कहता मैं परमेश्वर की वाणी सुनकर आया हूं, कहता कि मैं तुझे बता रहा हूं, अगर चाहे तुझे बीमारी आ जाए, चाहे तुझे बाढ़ आ जाए तेरे घर में, नदी आ जाए, चाहे समुद्र आ जाए तेरे घर में, करा आग लग जाए तेरे घर में, एक बात याद रखना, करा कोई नदी तुझे जला ना सकेगी, कोई आग तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि करा यहोवा जोरावर लाल समुद्र के तो भाग करने वाला, यरदन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर जिंदा है और वो तेरे बीच में है। और करा कि आज अपने डर को अपने ख्यालों में से दूर कर। अगर आज विश्वासी नाम लेता है, सुबह उठता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, प्रचार करता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन अपने अंदर डर रखता है, तो याद रखना वो एक दिन बीमार होगा और वो जल्दी मरेगा। याद रखना कि जो बंदे प्रार्थना करने के बाद शैतान को डांटते हैं, उस डर को डांटना है। डर कभी भी बिना डांटे नहीं जाता। आपके दिमाग में रोज एक डर आता है, थोड़ा सा दर्द हो जाए, मनु लगता है वो किडनियां खराब तो नहीं होगी, थोड़ा सा टांग से दर्द होता है, मनु लगता है टांग तो नहीं कटनी पै जाओगी, थोड़ा सा सिर में दर्द हो जाए, सर्वाइकल तो नहीं हो गया, गर्दन में गला जब खराब हो जाता है, फूड पाइप में हो तो नहीं गया कुछ, शैतान ऐसे ऐसी बातें डालता दिमाग में, डालते कि नहीं। लेकिन यहोवा जोरावर क्या कह रहा था? कह रहा कोई नदी तुझे डुबा ना सके, क्योंकि आग तुझे जला ना सकेगी, तुम मेरे हो, मेरे। कह रहा जितने मेरा नाम लेते हैं, दिन विश्राम दिन में बैठते हैं, याद रखना बेशक बीमार हो जाओ, लेकिन बेशक रिपोर्ट में आ जाए, अरे ये लोग जो गवाही दे रहे हैं इनकी रिपोर्ट में क्या बीमारियां नहीं आई हुई, लेकिन इन्होंने उस डर को बाहर निकाला है, बाहर डर को बाहर निकालना पड़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं फौरन के अंदर क्या होता है, ये बहुत पहले ऐसे सजा देते थे फौरन के अंदर, जब कोई चोर पकड़ा जाता यूरोप के अंदर या फौरन के अंदर कहीं भी, तो उस चोर के साथ क्या करते थे, उस चोर को पकड़कर पुलिस वाले उसके सामने एक सांप रखते थे और सांप को बोलते थे कि ये सांप, उस चोर को बोलते थे सांप तुझे काटेगा, तू चोरी करता है, कह रहा ये सांप तुझे डसेगा, और उसकी आंख पर पट्टी बांध देते थे सांप को दिखाकर, और सांप यूं चल रहा था और वो साइड में बैठ जाते और वो पट्टी बांध के और वो डरता रहता, कह रहा आ गया सांप, अब काटेगा, अब काटेगा, अब काटेगा। लेकिन सांप को पुलिस वालों ने उठा लिया, उन्होंने कटाया नहीं, उन्होंने क्या किया, उसकी आंख बंद में उसके पैर पे छोटी सी सुई चुभा दी, और चोर ने कहा करा सांप ने काट लिया, मर गया। और पुलिस वालों ने कहा ये तो मर गया, उसको टेस्ट कराया जाकर, करे सुई से कोई मरा ही नहीं आज तक, और हमने सांप को तो काटने नहीं दिया, हम तो नाटक करते थे आज तक कि सांप को दिखाते थे लेकिन सुई मारते थे, और चोर सोचता था हाँ सांप ने काट लिया, अंकल जी आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया, उस दिन वो इतना डर गया, और जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा
ये तो पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर उल्टी पड़ेगी, ये तो मर गया है। कहता एक छोटी सी सुई ने इसके अंदर सांप से भी ज्यादा जहर भर दिया। क्यों? उसका डर उसको मार गया उस दिन। वो चोर क्यों मरा? क्योंकि उसके अंदर डर पैदा हो गया। अगर आपकी रसोली इतनी बड़ी है, कैंसर इतना बड़ा है, शुगर इतनी बड़ी है, रिपोर्ट बड़ी हुई है, डोंट वरी, यहोवा जोरावर आज है, उसका हाथ मेरे और आपके ऊपर है। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आपको बता रहा हूं कि अब्राहम के साथ क्या हुआ, कि अब्राहम जब बैठा था उसको शैतान ने डराया और वो डर गया और कहा कि तुझे बच्चा नहीं होगा। लेकिन उसी समय 15:5 में क्लियर लिखा, पहली बार परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर कर आया। किसके लिए? आदम के बाद अब्राहम के लिए उतर कर आया। और उतर कर वहां लिखा कि तंबू में, जिस तंबू में वो निराश हो रहा था, अकेला हो रहा था, अकेला बैठा था। आप डर में अकेले होते हैं, आप जब अकेले होते हैं, निराश होते हैं, चिंता में होते हैं, तो वो समय आपका प्रार्थना का समय होता है। परमेश्वर क्या करता है, आप बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं, आप अकेला टाइम परमेश्वर को दिया करो। अकेलेपन में परमेश्वर मिलता है, अकेलेपन में बात करता है। यीशु मसीह अकेलेपन में गया। आप 2 घंटे या 3 घंटे परमेश्वर के साथ जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी छत पर चढ़ता हूं और मेरी गर्दन यूं रहती है, यूं, रात के 12 बजे से 2 बजे तक। कई बार मेरे को नहीं टाइम मिलता, 2 से 4 करता हूं, लेकिन मैं 2 घंटे मैं शैतान को दिखा रहता हूं कि मेरा मस्तक नीचे नहीं होगा, मेरा सिर तेरे सामने नहीं झुकेगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा जोरावर तेरे से ऊपर रहता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे डर के साथ मैं नहीं जीऊंगा। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता जब आप मुंह से निकालते हैं शैतान हारता है। बोलो हालेलुया। क्या हुआ? अब्राहम बैठा था, डरा हुआ था कि शायद अब मेरा परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं देगा, मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन वहां लिखा कि परमेश्वर आया और उसने उसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर लेकर आया और उसने कहा, मत डर, करा मैं तेरे साथ हूं। उसको एक आवाज आई उसके कान में, करा मैं तेरे साथ हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप घबराए हुए हैं, आप एकांत में जाएं, आप 2 घंटे परमेश्वर को दें। आप घबराए हुए हैं रिपोर्ट में, आप जाओ, आप अपना अकेलापन परमेश्वर को दो, आप अपने डर को परमेश्वर को बताओ। आपको बता रहा हूं कि जब आप बताते हैं तो आपको एक आवाज आएगी। अगर आप चिंता में हैं, आपको एक आवाज आएगी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप घबराए हुए हैं, एक आवाज आएगी, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप चिंता में, परेशानी में, कर्जे में या मौत के मुंह में, तो आपको एक आवाज आएगी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है डरे हुओं को और डराता है शैतान। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आज उस डर से बाहर निकालना चाहता है। जब मैं चंडीगढ़ में आया, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उस समय क्या हुआ कि डॉक्टर ने बताया, मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया कि तेरे बच्चेदानी में 2 रसौलियां हैं बड़ी बड़ी, या तो बच्चा बचेगा या तेरी पत्नी बचेगी। लेकिन मैं इतना टूट गया, उस समय मैं प्रार्थना करने लगा और उसी समय मैं क्या करने लगा, रोने भी लगा। लेकिन उसी समय आत्मा उतरा और उसने मुझे कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि 2-2 घंटे मैं शैतान के साथ जंग लड़ता था। पार्क में जाता और शैतान को मैं बार बार बोलता, आपके मुंह में ताकत है, ताकत। आपकी जुबान से डरता है शैतान, आपके पैर से, आपकी पैंट से और कोट से नहीं डरता शैतान, आपके बालों से नहीं डरता, आपकी कार, आपकी गाड़ी से नहीं डरता, वो आपकी जुबान से डरता है। जब आप जुबान से यीशु मसीह के नाम से विश्वास की बात बोलते हो, शैतान डरता है। आप आज से अगर बीमारी को भगाना है, 2 घंटे रोज आज क्लेम करना शुरू कर दो कि मेरी बीमारी चली गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सारी बीमारियां मेरे पैर के नीचे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने अपने लोगों को, जितने उस पर विश्वास करते थे, बाइबल में योहन्ना की किताब में भी कहा, प्रेरितों के काम में भी कहा, करा कि जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और कहता जाओ, कहता मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है, कहता और सारी बीमारियों को कुचलने का अधिकार दिया है। कहता अधिकार है आपके पास, जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया आपके पास अधिकार है। वो कहता तुम बोलो, हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने बार बार शैतान को डांटा और मैंने कहा रसोलियां चली गई हैं, मेरी पत्नी की रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है। मैंने उसको नहीं बताया, जिस दिन ऑपरेशन थिएटर में गई उस दिन भी नहीं बताया। और डॉक्टर ने पूछा ऑपरेशन कर दे, साइन कर दे, मैंने जवाब दे दिया, मैंने बोला नहीं, मैंने कहा नॉर्मल होगी, नॉर्मल। एक बार अल्ट्रासाउंड किया, वो हैरान हो गया डॉक्टर, उसके अंदर कोई रसोली नहीं थी, बच्चा सुरक्षित हुआ, मेरी पत्नी भी बच गई और मेरा बच्चा भी बच गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्यों बचा वो?
आधा आधा घंटा नहीं, दो दो घंटे पार्क में जाकर मैं प्रार्थनाएं सुबह करता था, रात के टाइम में दो दो घंटे घोषणाएं करता था, क्लेम करता था कि मेरी पत्नी को कोई रसोली नहीं है। शैतान तू हारा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तेरी बातें झूठी हैं, ये रिपोर्ट नकली है, ये झूठा है, ले मेरे पैर तले तुझे कुचलता हूं। मेरे पास सामर्थ्य है यीशु मसीह की, आपके पास सामर्थ्य और अधिकार है। आप अपने जुबान को अधिकार में लेकर आओ, अपनी जुबान को अधिकार में लेकर आओ, आप जंग जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान आपको निराश इसीलिए करता है कि आप निराश रहें और एक दिन प्रभु को छोड़ दें, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से प्यार करता है जो दुख में सुख में भी याकूब की तरह, इसहाक की तरह, अब्राहम की तरह खड़े रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं। आज कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए स्वर्ग से खड़ा रहेगा आपकी परेशानियों में। कुत्ता किसको बोला गया बाइबल के अंदर? शैतान को बोला गया। आपको बता रहा हूं कि बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान, काट कूट करने वालों से सावधान, बुराई करने वालों से सावधान, पाप करने वालों से सावधान। कहता कि आपको अगर शैतान को भगाना है तो उसको कुत्ता समझ के डांटना पड़ेगा आपको। कुछ लोग कैसे करते हैं, कुत्ते जाना, कुत्ता जाएगा, बीमारी को बोलते हैं शुगर जाना, जाएगा वो नहीं जाएगा। उनको प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको अपनी डांट और अपनी ताकत और अपने अधिकार दिखाने की जरूरत। आज कि मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तुझे डांटता हूं, मेरे पास अधिकार है। बोल हालेलुया। एक कुत्ते को डांटते हैं, एक कुत्ते को बोलते हैं चल, कुत्ता भागता कि नहीं, और एक कुत्ते को बोलते हैं चल भाग, और वो कुत्ता भागता नहीं है, उसको डंडा मारना पड़ता है, डंडा मारना पड़ता है कि नहीं। कई कुत्ते ढीठ होते हैं, कई बीमारियां ढीठ होती हैं, आप घबराओ नहीं। कई बार बीमारियां, आप प्रार्थना करते हैं बीमारियां जाती हैं, कई बीमारियां ढीठ होती हैं। वो कुत्ता है, वो शैतान है, उसको डांटो लगातार, वो जाएगा। डंडा मारो आज, हालेलुया, डंडा मारो। अपनी जुबान से बोलो कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं उन बीमारियों को पांव तले कुचलता हूं, काटता हूं और शून्य करता हूं। आज उस शैतान को मैं काटता हूं और शून्य करता हूं। तो वो आपको बता रहा हूं कि आप जय के साथ लौटेंगे, आपकी रिपोर्ट अगले हफ्ते नॉर्मल आनी शुरू होंगी यीशु मसीह के नाम में। अभी बता रहा हूं कि शैतान सारी बीमारियां वो डालते हैं, और वो शैतान बोल रहा था, कहता मैंने कहा क्या क्या करवा दे, कहता शुगर बना दे, टाइफाइड बना दे, हार्ट अटैक बना दे, शुगर बनवा दे, जो मर्जी बनवा ले वो बनवा दे। सांप बोल रहा है, उसको डांटने की जरूरत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरता वो है जो मसीहत में नहीं है, डरता वो है जिसका जिसका भरोसा यीशु मसीह पे नहीं है। अगर आज आपका भरोसा है, याद रखना आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज शैतान आपसे घबराया हुआ है। आज आप आजाद होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आप जय के साथ लौटेंगे, हाथ उठाओ। कह रहा है कि जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। यीशु मसीह ने उस डर पर, उस भय पर, उस बीमारियों पर जय पा चुके हो, कहता है, और वो आपको अधिकार दे चुका है। कहता है आप जीत चुके हो, आपका बाप हारा हुआ नहीं है, आपका बाप जीता हुआ है। अगर उसको प्राइज नहीं मिला, आपको मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। वो किसी नाम के लिए नहीं दौड़ा, वो आपको बचाने के लिए दौड़ा। जितने उसके नाम को लेते हैं, याद रखना कि आज ही वो बीमारियां जाएंगी। क्या लिखा है, डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। याद रखना, अगर आप छोटी छोटी बात में चिंता करते हैं, अगर छोटी छोटी बात में डरते हैं, परमेश्वर का आत्मा कभी काम नहीं करेगा। बोलता है, कह रहा है कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया, तुम्हारी जुबान में पावर दी है। जिस दिन से आप यीशु मसीह का नाम लेना सीख चुके हैं, मैं कह रहा हूं अगर दिन में 200 बार भी आप बोलोगे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मैं हर एक बीमारी को और शैतान को पैर तले कुचलता हूं, आप अगले दिन रिपोर्ट नॉर्मल के साथ वापिस लौटेंगे, गवाहियों के साथ लौटेंगे, चर्च छोड़ा होगा, बढ़ेंगे आप। याईर नाम का एक सरदार था, याईर नाम का, बड़ा नाम, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, लेकिन एक दिन किसी ने उसको सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसकी बेटी, एक ही बेटी मरने पर थी, और उसी समय वो दौड़ा दौड़ा यीशु मसीह के पास गया और बोलता है, कह रहा प्रभु मेरी तो इकलौती बेटी है और वो ही मरने पर है। कहता क्या हुआ उसको? बोलता है कि उसको बुखार हुआ है, और बोलता है कि मरने पर है, वैद्य उसको जवाब दे चुके हैं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा चल मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूं, और जैसे ही वो लेकर जा रहा था, उसी समय रास्ते में उसके रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए, उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, और उसने कहा, अरे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, अरे अब डॉक्टर को घर ले जाने से क्या फायदा, तेरी लड़की तो मर गई है, मर गई है। डरा दिया है उसको, डर चुका है वो आराधनालय का सरदार, वो याईर डर चुका है। उसकी एक ही बेटी है, और उसके रिश्तेदार बोल रहे हम नमज पकड़ कर देख कर आए हैं, हम डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए हैं, मर चुकी है तेरी लड़की। लेकिन उसी समय, आप जब इस बाइबल को पढ़ते हैं ध्यान से,
यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने याइर की ओर देखा और कहा, याइर मत डर। उसकी मुंह पर, अपने मुंह पर उंगली रखा और उसको इशारा किया, बोलता चुप कर। कह रहा याइर चुप कर, कहता मत डर, इशारा किया उसकी ओर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानता था इसकी जुबान अगर आज नेगेटिव बोलेगी तो मैं इसके घर जाऊंगा और वो लड़की चंगी नहीं होगी, सच्ची में मर जाएगी वो। यीशु मसीह ने कहा मत डर याइर, तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है। हालेलुया। कह रहा याइर मुंह से मत बोल, तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है। तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा काम मरा नहीं है, तुम्हारा हाथ मरा नहीं है, तुम्हारी टांग मरी नहीं है, तुम्हारी कोई नस मरी नहीं है, तुम्हारा दिमाग मरा नहीं है, तुम्हारे फेफड़े मरे नहीं है, तुम्हारा लीवर मरा नहीं है, तुम्हारा हार्ट मरा नहीं है, वो अभी सो रहा है, आज जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। याइर को कहा याइर मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। कहता विश्वास कर, कहता तेरे साथ कौन जा रहा है? आपको बता रहा हूं परमेश्वर के तीन शत्रु हैं, पहला शैतान, दूसरा पाप और तीसरा मौत, और परमेश्वर वो तीनों शत्रुओं को आपके ऊपर कभी नहीं आने देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। उसने उन तीनों के ऊपर जय पाई है, उसने शैतान को हराया, उसने पाप पर जय पाई, उसने मौत के डंक को तोड़ दिया है। हालेलुया। उसने मौत के डंक को तोड़ दिया, मुर्दों में से जी उठा और आ गया। और कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज वो लोग घबराए नहीं, कहता जब आप डरते हैं आप जल्दी मरते हैं, कहता जो डरेगा वो मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताना एक बार क्या हुआ, एक बार डड्डुओं की रेस हुई, और जब कोई दौड़ में जाता है या वीजे पर लेने जाता है तो अपने माँ बाप को जरूर साथ लेके जाता है या अपनी पत्नी को साथ लेके जाता है कि आज मेरे जुड़े हैं, आज मैं बॉक्सिंग का खेल है, आज मेरी रेस है, आज मैं वीजा लगवाने जा रहा हूं, चलो पापा, चलो हस्बैंड, हमारी दौड़ में देखना, और वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। बड़े सारे डड्डू अपने रिश्तेदारों को लेकर आए थे, लेकिन एक डड्डू अकेला आया, अकेला। और जैसे ही जब वहां रेस हुआ, उन्होंने सोचा रेस ये दौड़ने वाली होगी, डड्डू ऐसे दौड़ता है, ऐसे ऐसे दौड़ता कि नहीं। लेकिन वहां क्या हुआ कि वहां पर एक बहुत बड़ा खंभा, ऊंचा खंभा लगा दिया गया, और उनको कहा कि जो डड्डू उस ऊंचे खंभे पर सबसे पहले चढ़ेगा और झंडे को उतार कर लाएगा, कहते हैं वो जीत जाएगा। वो डड्डू अपनी पत्नी को जो लेकर आया और वो चढ़ गया, और जैसे ही बड़ी हाइट पर गया और ऊपर जाके डर गया और अपनी पत्नी को आवाज मारने लगा, कह रहा भगवान कहां है तू? भगवान तो वहां बाहर आइसक्रीम खा रही है। और आई आइसक्रीम खाती हुई डड्डू, उसकी वाइफ बोलती है अरे मुझे तो कहा था रेस ये वाली होगी। कह रहे अरे शादी तो कल ही हुई है, विधवा करेगा क्या? डरा दिया उसको, वो डर गया, कहता हां मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, ऊपर से वापिस आ गया डर के कारण। दूसरा डड्डू आया, दूसरा डड्डू अपने मां बाप के साथ आया, फिर चढ़ा डड्डू, जब ऊपर चढ़ा उसके माँ बाप ने बोला, बोलता रे कह रहा वो इतनी हाइट पे चढ़ गया, कह रहा अरे ऊपर से लाश भी नहीं मिलेगी, नीचे गिरेगा, कह रहा है हड्डी का चूरा 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 हो जाएगा। जब डड्डू नीचे आया उसके दिमाग में आया, कहता अरे डड्डुओं के अंदर तो हड्डी नहीं होती, कह रहा मेरा बाप मुझे डरा के चला गया, डर गया, थोड़ा सा ही पहुंचने वाला था। लेकिन तीसरा डड्डू वो सबसे ऊपर हाइट पर चढ़ गया और लोग उसको डराते रहे, कह रहे ओए मरेगा क्या, ओए गिरेगा क्या। और वो क्या हुआ, वो सबसे ऊपर चढ़ गया और प्रेस वाले पहुंच गए, हां जी हां जी डड्डू जी आप फोटो खींच रहे हैं, और आप क्या काजू बादाम कौन सा खाते हैं, आप कौन से दूध पीते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, इतने ताकतवर कैसे हैं आप, आपके अंदर इतना हौसला कैसे है, इतनी ऊंचाई पर आप चढ़ गए डड्डू जी। एक डड्डू आया उसके पास, बोलते इसे बहस करने की जरूरत नहीं है, कहता ये डड्डू गूंगा और बहरा है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको बता रहा हूं कि आपकी प्रमोशन होगी अगर आप नेगेटिव बातों के लिए आप अपने कान बंद कर लेंगे, आप गूंगे और बहरे हो जाओ नेगेटिव लोगों के लिए, नेगेटिव विचारों के लिए, नेगेटिव ख्यालों के लिए। अगर आपकी सोच में है कि शायद ये बीमारी मुझे मार देगी, आप गूंगे और बहरे हो जाएं, मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रमोशन आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज जितने भी कोई बीमारी से डरे हुए हैं या गरीबी से डरे हुए हैं या बैंक की किस से डरे हुए हैं, लोन से डरे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि डरना मत, कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। हिजकिय्याह को पता लगा तुझे कैंसर का फोड़ा है, लेकिन याद रखना भविष्यवक्ता को बताया उसने, कह रहा जिसका नाम मैं लेता हूं, कहता है वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है,
वो यहोवा जोरावर है, वो लाल समुद्र के दो भाग करने वाला, यरदन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा करने वाला, वो परमेश्वर है। कहता कि मैं डरूंगा नहीं, प्रार्थना करता रहा और शैतान को डांटता रहा और क्या हुआ कि वो ही बीमारी उसको छोड़कर चली गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 15 साल उसके और बढ़ा दिए गए। याद रखना, बेशक चाहे बीमारी कितनी बड़ी हो, लेकिन याद रखना अगर 3 साल के लिए वो बीमारी है, अगर वो 10 साल के लिए बीमारी है, तो याद रखना 50 साल के लिए परमेश्वर आपको जिंदा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। 100 साल के लिए भी जिंदा रखेगा। वो बीमारी का अधिकार नहीं है। आपसे बोलना शुरू करे चर्च, मुंह से बोलो, बोलो कैंसर तेरा मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, रसोलियां तेरा मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, मुंह से बोलो। बाहर प्लेट लगा के रखते हैं कुत्तों से सावधान, लगाते हैं कि नहीं? वो डराने के लिए लगाते हैं। उसने लिखा है कुत्तों से सावधान। और हम 2 साल छोटे जब खेलते थे उनके घर के आगे क्रिकेट, तो हम ऐसे निकलते थे चुपचाप, कुत्ते ना भौंक लें। लेकिन 2 साल कुत्ते की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। लेकिन एक दिन जब हाँ गेंद गिर गई तो हिम्मत करके पूछा, अंकल जी आपके घर में कुत्ते हैं? आप गेंद दे दो। कहता बेटे ये तो चोर को डराने के लिए, इस घर में कोई कुत्ता नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कई बीमारियां, कई कर्जे जानबूझकर शैतान प्लेट लगाकर सिर्फ रिपोर्ट में रखता है आपको दिखाने के लिए, अंदर कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया, यू आर फ्री। यस। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के घर गया, उसने अपने घर में जर्मन शेफर्ड पाल रखा था और किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी हुई थी, जब भी कोई कुत्ता मिले उसके सामने सांस बंद करके खड़े हो जाओ, अगर कुत्ते ने सूंघ लिया कि ये डर रहा है मेरे से, कह रहा काट लेगा। कुत्ता कब काटता है? जब आप उससे डरते हैं। और कुत्ता किससे सूंघता है? आपकी आवाज में और आपकी सांस से सूंघता है कि ये बहुत डरा हुआ है। मैंने कुत्ते को देखा, मैंने चीखे मारी, मैंने कहा, और उसी समय मेरा दोस्त उधर से वहां लगा रहा ऊपर से, बोलता है अरे डरना नहीं, चुपचाप खड़ा हो जा, सांस रोक ले। सांस रोक के खड़ा हो गया और कितनी देर रुकूं, सांस छूटा, मैंने कहा ओए, कुत्ता ही डर गया। और जी मैं तो इतनी तेज भागा, कुत्ते ने कहा मैं ऐसे डर रहा था, ये मेरे से डर रहा है, मेरे पीछे हो लिया, मेरे पीछे गया। मुझे याद आया कि मेरा बड़ा भाई मुझे बताता था, कह रहा कि मुट्ठी ऐसे आगे कर दो कुत्ते के, वो डर जाता है। मैंने कुत्ते को यूं करके देखा, मैंने कहा ये ले, कुत्ते ने मुझे यहां खाया, यहां खाया, यहां खाया, यहां खाया, सारी जगह काट खाया, कि वो डर ने मुझे इतना काटा, इतना काटा। आज कह रहा हूं कि अगर आप डरे हुए हैं तो कहीं भी शैतान आपको काट सकता है, लेकिन आज अपना डर अपनी जुबान से दूर करो, बोलो कि मैं डरा नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं और इसी समय सारी बीमारियां मेरे पैर के नीचे हैं। आज वो प्लेट सिर्फ कई बार शैतान डराने के लिए लगा देता है, तेरे ऊपर कर्जा हो गया है। क्या आप कर्जे से आज तक बाहर नहीं निकले? क्या आप जब बीमार हुए बीमारी से बाहर नहीं आए? जैसे अब्राहम को कहा, कह रहा सुन, कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज उन विश्वासियों को जो हाथ उठा रहे हैं मेरे पीछे, हाथ को उठाओ और कहो आज, आज पवित्र आत्मा कह रहा अगर तुम चिंता में हो तो मैं आवाज आएगी आज कानों में, एकांत में जाओ, प्रार्थना करो और क्लेम करो और शैतान को डांटो, तुम्हारे कानों में आवाज आएगी। अगर जो कोई कैंसर का रिपोर्ट में है, रसोली के रिपोर्ट में है, आवाज आएगी मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे, जोर से कहे मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे। जब आपको घबराहट हो आवाज आएगी मैं तेरे, जब आप बीमार पड़े आवाज आएगी मैं तेरे, जब आप कर्जे में हो आप कहे मैं तेरे, आपका यीशु आपके साथ है। प्रोफेट जी एक बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये भाई बता रहा है कि ये 5 साल से यूएसए का वीजा ट्राई कर रहे हैं, लगातार रिफ्यूजल लग रहा था लगातार, और इनके भाई ने यूट्यूब पर मीटिंग देखी, ने बताया कि आप वहाँ मीटिंग में जाओ। हाँ। जब यहाँ मीटिंग पर आया प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनका वीजा नहीं लग रहा वो लगने के लिए जा रहा है, इन्होंने रिसीव किया, अगले दिन का वीजा लग गया। मेरे ब्रदर ने मुझे बाहर से बताया था मेरा वीजा 5 साल से नहीं लग रहा था, जब भी लगता था कैंसिल हो जाता था। तो मेरे प्रभु जी ने बताया भी ब्रजिंदर सिंह प्रॉफिट के पास जाओ, तो मैं पहले संडे आया तो इन्होंने बताया भी आपका 3 संडे में हो जाएगा काम, तो मैं दूसरे में आया, मुझे पूरा भरोसा था भी अब काम हो जाएगा, तब तो इन्होंने बोला भी आपका 100 बार को काम हो जाएगा, तो मैं घर गया तो मेरा काम हो पाया था। हालेलुया, कहां का कहां
यूएसए का काम हुआ है, यूएसए का। हालेलुया। और मैं आप सबको एक शर्त से कह रहा हूँ, आपने कभी किसी ने रब नहीं देखा है, मैंने देखा है, वो मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है। तेरे बत्ती जितनी चप्पल चले न हो, खुदा की नजर के कौन देखे, तेरे बत्ती जितनी चप्पल चले न हो। अभी नया है, मैं रब नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर ऐसा महसूस करता है, हाँ मेरे ऊपर यीशु मसीह जरूर है। हालेलुया। ये नहीं मानता था प्रभु को, इसका तेरा भाई मानता था, इसका भाई मानता था, ये नहीं मानता था। इसके भाई ने कहा जा तू प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा, और क्या हुआ यहाँ जब ये आया प्रार्थना करी और बताया कि तेरा वीजा आ रहा है और यूएसए के वीजे के साथ आया है, कौन है कौन है। मैं भी रोका थी इसनु भी, हाँ माइन ने बाप्या बा फिर ले भी, ओ के करेगा अपना जद अपना बाप्या दे नहीं कुछ होया भी, ना जाओ किसी भी घरा बैठो कुछ नहीं बनता। अपने मुंह से बोल रही है, कहती है विश्वास नहीं करता सी, लेकिन मैं भी इन्हें रोकती थी। हाँ जी पैसे उतनी के नहीं थे, यो मेरे गल बोलिया नहीं, भजया है उरा भी, मैं तो जावांगा जेड़ा बाहर बैठा वो मुंडा कबा भी, तेनू कोई पता नहीं मारी बातों बारे भी, जान दे जिथा जावा। उसने फिर पैसे भेजे, फिर वो बेचारा आ गया उरा जी, तीनवीं बार आया मैं भी आ गई। आज आई तो पहली बारी तेरे अक्की अक्की ओ नाल खड़ेगा, तेरे अक्की अक्की चलेगा ओ नाल खड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा। जब मैं पहली बार आया था ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसे मन से नहीं आया था, मैं तो यही देखने आया था भी होता क्या है यहाँ पे। मैं कोई ऐसी कोई नहीं सुख आया था भी हाँ भी मेरा काम होगा, नहीं मैं देखने ले आया हुआ था यहाँ पे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक को होर के लेके आया था मुंडे को, मैं चलो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, दुनिया जारी हम भी जाएंगे। पर मैं आया तो मेरा दिल टिक गया यहाँ पे, जब प्रॉफिट जी ने दुनिया ठीक की ना, तो मुझे दिख गया भी हाँ रब यहीं पे है, इससे ऊपर रब कौन सा होगा, अब यहाँ पे भरोसा करो सब कुछ होगा। हालेलुया। पहले नफरत करता था, चर्च नहीं आता, माँ कहती की करना उत्थे जाके, आज माँ भी नाल ही आई है गवाही लेके, मिठाई का डब्बा लेके। हालेलुया। कौन है ये परमेश्वर है, जोर से प्रभु की महिमा करें, जोर से करें। नची नची के नची नची के अज नची नची जश्न मनावांगे, नची नची के नची नची के अज नची नची जश्न मनावांगे। हमारी मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबाएं और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।